नमस्ते मित्रों मित्रों आपने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का नाम जरूर सुना होगा। ये डीआरडीओ की एक ब्रांच है जो कि भारत के लिए फाइटर जेट वगैरह डिजाइन करती है। अभी इसी ने एक बहुत ज्यादा बड़ी अनाउंसमेंट की है और इस अनाउंसमेंट के बाद जितने भी ये यूरोपियन देश है, रूस है, जापान है, पूरे के पूरे विश्व में ही खलबली मच गई है, क्योंकि भारत की एडीए ने अनाउंसमेंट ही कुछ ऐसी की है। तो दोस्तों अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों हम सभी को पता है कि 6th जनरेशन फाइटर जेट अभी फ्यूचर के फाइटर जेट होने वाला है। 6th जनरेशन फाइटर जेट कई सारे देशों द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं। अभी एडीए ने भी अनाउंस किया है कि वो एमका मार्क टू 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने वाली है, वो भी महज 2035 तक। तो खास क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमका मार्क टू क्यों बाकी फाइटर जेट से अलग होने वाला है। तो एमका मार्क टू फाइटर जेट में सामने के साथ साथ पीछे भी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक में को ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि जो इंजन का सेक्शन होता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा कम स्टेल्थ होती है। तो अभी इसे सामने से और पीछे से दोनों जगह से स्टेल्थ रखा जाएगा। दूसरा जो फीचर है वो है ऑटो टेक ऑफ और लैंडिंग, जिसके बाद एमका फाइटर जेट के जो पायलट है उसे ज़्यादा वर्क करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस फाइटर जेट को जिस डायरेक्शन में ले जाना है उस डायरेक्शन में ले जाओ। उसके बाद जो तीसरा फीचर है वो बहुत ज़्यादा खास है, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों एमका फाइटर जेट में इंटीग्रेटेड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, जिसके बाद अगर एमका फाइटर जेट के संबंध लीजिए इंजन में प्रॉब्लम है तो एमका फाइटर जेट का हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम एमका फाइटर जेट के पायलट को पहले ही बता देगा कि इंजन में प्रॉब्लम है तो आप फाइटर जेट को मत उड़ाइए, जिस वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर का जो फाइटर जेट है वो बच जाएगा। तीसरा जो फाइटर जेट का इसमें जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर लगा वो है रिमोट कंट्रोलिंग। दोस्तों कई बार होता कुछ ऐसा है कि फाइटर जेट उड़ाते वक्त जो हमारा फाइटर जेट पायलट है वो बेहोश हो जाता है। अब इसमें फाइटर जेट पायलट की भी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि कई बार होता ऐसा है कि मैनूवर करते वक्त अनकॉन्शियस हो जाता है फाइटर जेट पायलट, तो ऐसे में आपका मिलियंस ऑफ डॉलर का फाइटर जेट यहाँ क्रैश हो सकता है। ऐसे ही दुर्घटनाओं से बचने के लिए एमका फाइटर जेट में एडवांस रिमोट कंट्रोलिंग सेंसर दिए गए हैं, जिसके मदद से एमका फाइटर जेट को ग्राउंड स्टेशन पे या कहे एयरफोर्स बेस पे बैठा हमारा एयरफोर्स ऑफिशियल भी कंट्रोल कर सकता है। तो ऐसे में एमका फाइटर जेट का क्रैश होते होते बच जाएगा और हमारे जो एयरफोर्स पायलट है उनकी जान भी बचाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके और एक फीचर की। तो दोस्तों अभी इसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन को भी ऐड किया जाने वाला है, जिसके मदद से 10 किलोमीटर की रेंज में कोई भी एयर टू एयर मिसाइल एमका फाइटर जेट को हिट ही नहीं कर पाएगी। उसके बाद इसकी पावर बढ़ाई जाएगी डायरेक्ट एनर्जी वेपन की और ये ज़्यादा रेंज में भी अपना काम कर पाएगा। इवन फाइटर जेट को भी इसी डायरेक्ट एनर्जी वेपन की मदद से डिस्ट्रॉय कर पाएगा। दोस्तों एमका में एआई फीचर को भी ऐड किया जाएगा, जिसके मदद से एमका फाइटर जेट के जितने भी एवियोनिक्स, रडार और सबकी परफॉर्मेंस है वो एक ही जगह पर आएगी और ज़्यादा सिचुएशन अवेयरनेस पायलट को मिलने वाली है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि बाकी 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम किस प्रकार है। एक तरफ है फ्रांस, जापान, रशिया, यूके और यूएस का फाइटर जेट प्रोग्राम। तो इनमें से जो यूएस का फाइटर जेट प्रोग्राम है वो 2030 में उसका प्रोटोटाइप तैयार होगा। बात करें अगर दूसरे देशों की तो इनका जो फाइटर जेट का प्रोटोटाइप है, 6th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप, वो 2040 में डेवलप होने वाला है। जबकि इसका जो मास प्रोडक्शन है वो कब होगा इसकी कोई जानकारी है नहीं। जबकि अगर हम एमका मार्क टू की बात करें तो ये एमका मार्क टू यूएस के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को छोड़ दिया जाए तो दूसरा फाइटर जेट होने वाला है, जो कि अपनी 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज के साथ आने वाला है। इवन दोस्तों बाकी जो देश हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजी है उनकी मदद से वो 2040 तक अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसके बाद 5 वर्ष उसकी टेस्टिंग करेंगे और 2045 तक ही मास प्रोडक्शन में जा पाएगा उनका 6th जनरेशन फाइटर जेट। जबकि भारत का 6th जनरेशन फाइटर जेट इवन चाइना और बाकी जितने भी फाइटर जेट प्रोग्राम है उनसे पहले ही डेवलप हो चुका होगा। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर भेजें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।